जो ज्ञानी ज्ञान सुनते हो, रोज योग करते हो, जो समझते हम अपने युगल को, बच्चों को गुस्सा करते हैं, मारते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, अशब्द अपशब्द बोलते हैं, उसे अल्लाह भाई आप उठाओ देख लो, कोई है नहीं है? आज नहीं बताएंगे, आज परिवर्तन करेंगे। माताएं कोई बताओ, हाँ पति ने कुछ बोला तुरंत जवाब देते हो, बच्चों को मारते हो, गुस्सा करते हो, माताएं आप उठाओ देखो, वही तो है, एक तो होंगे नहीं कि कल्याणपुर के माताएं सभी कल्याण ही आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, है ना, विश्व कल्याणकारी। माता जी क्या कहते हैं? हाँ, बच्चे बच्चे आपके तो नहीं है ना, आपके तो नहीं है, शिव बाबा के। अगर बच्चे जवाब देते हैं तो माँ अगर चुप रहती है तो बच्चा कल सीखे, मैं इतना बोलता मम्मी कुछ नहीं बोलती है, तो वो भी धीरे धीरे शांत होगा। अगर आप बोलो वो भी बोलेगा, तो क्या होगा, दोनों दो बर्तन मेरे तो टकरा गया, आग लगेगी ना, आपको नींद आएगी, उस बच्चे को नींद आएगी। अब घर में सब लोग कहेंगे देखो माँ बेटी कितना लड़ाई करते हैं, बोलेंगे ना लोग भी, आप आजू बाजू देखेंगे ना, तो बच्चों ने भी गलत जवाब दिया तो भी मुझे जो मेरे बच्चे हैं भगवान के बच्चे कुछ बोलना नहीं। हाँ शिक्षा देनी है, बच्चे सुनते नहीं है, जब वो खाना खाने बैठता है तब सिर पर हाथ रखो, बच्चे आप टीवी देखते रहते हो, पढ़ते नहीं हो, आप ऐसे करते रहते हो, तब जो बोलेगा वो सुनेगा, तब जब शिक्षा देनी चाहिए, समय परिस्थिति देखो, जब वो टीवी देखता है उसको खींच करके पढ़ाई पढ़ो, है ना, अगर वो कुछ कर बोलता है तो उस समय आप भी चार बताओ, तो उसका भी बढ़ेगा ना टेम्पर। अगर वो कुछ बोलता है, कुछ सुनता नहीं है, तो भी आपको चुप रहना चाहिए। कौन करेगा ये? रोज ज्ञान योग करते हो तो कर सकता है, नहीं तो टकराए की शक्ति नहीं है। समझ में आया? तो क्या करना चाहिए कल, क्या करना चाहिए कल से परिवर्तन करना चाहिए ना। हाँ तो मुझे चुप, अपने आप को सिखाओ, आज के बाद बच्चे ने कुछ भी कहा जवाब देता है मुझे नहीं बोलना है। फिर एक दो घंटे के बाद बच्चा खाना खाने बैठता है तब समझाना, आप कुछ भी बोलो मम्मी को बोलते हो, मम्मी कल से खाना नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप बना के खा लो, फिर बाद में उस समय नहीं बोलना, उस समय दिमाग गर्म रहता है तो आपको कुछ करेंगे नहीं, आप बना के खा लो, तब जाके कहता नहीं मैंने, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, तो आप कुछ सुनाते हो तब सुनेगा, जब उसका दिमाग शांत होना चाहिए, समझाने का भी तरीका चाहिए, समझ में।